दर्द भी होगा, दर्द के होने का एहसास भी होगा। पूरे बदन में एक हड़ताल सी उठेगी कि बस और नहीं, इतना करने के लिए किसी ने नहीं कहा था और कोई कहेगा भी नहीं। इसलिए नहीं कि वो कहना नहीं चाहते, लेकिन खुद सोच के देखो, हम भी तो दूसरों को बस उतना ही करने के लिए बोलेंगे जितना करना हमें पॉसिबल लगेगा। जो बंदा एक घंटे में 10 किलोमीटर भागेगा, वो दूसरे को उतने ही टाइम में 15 या 20 दौड़ने के लिए कैसे बोल पाएगा। और इसीलिए अकेले में खुद ही पे खुद से मेहनत करवाना सबसे मुश्किल काम होता है। पहली मार कि हम अकेले हैं, और दूसरी मार कि हमें अकेले ही इस दर्द को सहना है। क्योंकि जो हमारा विजन है, जो हम देख पा रहे हैं, वो हम अपनी आंख में से निकाल के किसी दूसरे की आंख में फिट नहीं कर सकते। जैसे छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन फिट नहीं हो सकता, हाथी एक ही रात में चीता नहीं हो सकता, ऐसे अजूबों को तो पॉसिबल खुद ही खुद को दर्द के साथ जोड़कर उसका जितना हो सके उतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर ही किया जा सकता है। क्योंकि हमारे इस वाले दर्द को ना ब्रूफेन, ना मॉर्फिन, ना कोई और पेन किलर भगा सकता है। इस खुद पे काम करने की वजह से होने वाले दर्द के साथ हमें एक गठबंधन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस इलाके में दर्द का दबदबा हो, उस इलाके में इलेक्शन जीतने हो, तो उसकी पार्टी से तो यार हाथ मिलाना ही पड़ेगा। और दर्द तो कुदरत की देन है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। वो हमें सिर्फ रोकता नहीं है, वो हमें रोक के हर पड़ाव को पार करने का चैलेंज देता है। और हर पड़ाव को पार करने के लिए हमें ये चैलेंज हर बार लेना पड़ेगा। हमें बिना रिजल्ट के बारे में सोचते हुए बस उस दर्द को जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में झेलते जाना पड़ेगा। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये दर्द अभी थोड़ी देर के लिए है, और मैं चलता गया तो ये एक दिन रुक सकता है, एक महीना या एक साल रुक जाएगा, मगर एक ना एक दिन ये जरूर चला जाएगा। लेकिन अगर हम हार के, रुक के, थक के बैठ गए, तो ये हमेशा के लिए हमारे दिल में एक डर बना।